हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे झटपट बर्गर रेसिपी। उसके लिए मैंने 3 पोटैटो लिए थे बॉईल करके, उसको अच्छे से मैश कर लेंगे और उसमें डालना है हमें पोहे भिगोए हुए। मैंने मीडियम साइज़ कटोरी पोहा भिगोया था और पूरा इसमें हमें डाल देना है। और इसमें डालना है हमें सूखा मसाले, बाकी के जो सूखे मसाले हैं उसमें है हरी कटी मिर्च, गरम मसाला और नमक, हरा धनिया और लाल मिर्च पाउडर, ये सब इसमें हमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से एक टिक्की का बैटर बना लेना है। ये देखो अच्छे से टिक्की का बैटर बन गया है। उसके बाद हम एक साइड में डालेंगे, एक साइड में एक कटोरी में मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, उसको अच्छे से चूरा कर लेंगे। और एक कटोरी में मैंने रखा है ये जो कॉर्नफ्लेक्स का कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है, 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका घोल भी बना लिया है। अभी हम टिक्की को अच्छे से शेप दे देंगे। और अच्छे से शेप देने के बाद उसको थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। अच्छे से शेप देने के बाद उसको हम पहले डुबाएंगे कॉर्नफ्लोर के घोल में और फिर डुबाएंगे इसमें कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में और अच्छे से उसको लगा लेंगे और साइड में रख देंगे। ऐसे हमें 4-5 और टिक्कियाँ बना लेनी है। ये टिक्कियाँ हमें 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख देनी है। उसके बाद हमें इनको शालो फ्राई करना है। तवे पे थोड़ा सा तेल रखा है मैंने 1/2 आवर के बाद और उसको मैंने अच्छे से टिक्कियों को फ्राई कर लिया है शालो फ्राई। मैं सभी टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये हमारी पूरी टिक्कियाँ मैंने अच्छे से शैलो फ्राई कर ली है। अभी उसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। बर्गर बन को मैंने बीच में से काट लिया था और उसको मैंने अच्छे से बटर लगा के रोस्ट कर लिया है इस पर अपने तवे पे ही। और अभी मैं उसके नीचे के बेस को शेजवान सॉस लगाऊंगी और उस पर लगाओगी टमाटो केचप, उस पर लगाओगी टमाटो केचप, उस पर डालेंगे हम थोड़ा सा मेयोनीज। मेयोनीज डालने के बाद अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ये सब। स्लाइस अनियन रखेंगे, एक टिक्की रख देंगे उस पर, स्लाइस टोमेटो और ककड़ी और इस पर डालेंगे ग्रेट करा हुआ चीज़। आपको अगर आपके पास अगर चीज़ स्लाइस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और बर्गर को बंद करके बंद कर देंगे। ये बर्गर हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।